साग चिपका हुआ था, तो उसी को लेकर के मुंह में दिया, दे करके पानी। भाभी वनवास काल में एक बार दुर्वासा ऋषि आए थे दुर्योधन के यहाँ आतिथ्य ग्रहण करने के लिए। दुर्योधन ने खूब सेवा की, बड़े खातिर से सेवा की, सेवा करके बहुत प्रसन्न किए हैं। और संत है ना, थोड़ी सी बात में ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत अधिक प्रसन्न हो जाते हैं, संत का स्वभाव है। तो दुर्योधन से कहते तुम हमसे कुछ बड़ मांगो। तो दुर्योधन देखते हैं ये तो अच्छी बात है, तो ऐसे बड़ मांगो जो हमारे दुश्मन है पंच पांडव ये नष्ट हो जाए भाई, ऐसा कुछ बड़ मांगो। तो क्या बर मांगेंगे? बर मांगते हैं महाराज आप जैसे अहितु की कृपा करके आप हमको कृतार्थ करने के लिए हमारे द्वार पर आए हैं, आतिथ्य स्वीकार करके हमको कृतार्थ किए हैं, ऐसे ही एक दिन आप पंच पांडव जंगल में वन में रहते हैं उनकी यह भी कृपा करने के लिए आप सशिष्य समस्त शिष्यों को लेकर एक बार वहाँ जा करके उनका आतिथ्य स्वीकार कीजिए, वो भी मेरा भाई है उनको भी थोड़ा कृतार्थ कीजिए। जानते हैं दुर्योधन जो वहाँ तो खाने के लिए पानी भी दे नहीं पाएगा, गिलास भी है नहीं, कोई थाली भी है नहीं, पत्ता भी है नहीं, वन के पत्ता दे करके जिसमें परोस करेंगे, और परोस करेंगे तो क्या करेंगे, खाने का तो है नहीं, जंगल के फल मूल आदि इत्यादि के द्वारा तो अपना निर्वाह करते हैं। जानते हैं तो दुर्वासा नाराज हो जाएगा, फिर श्राप दे देगा तो नष्ट हो जा, तो ये अच्छा है वहाँ आतिथ्य तो स्वीकार करेंगे, ये कुछ कर नहीं पाएगा, जब नहीं कर पाएगा तो दुर्वासा जी श्राप दे देंगे तो हमारे दुश्मन जो नष्ट हो जाएगा, ऐसे एक मन में दुष्ट बुद्धि खेल गया। जब आप कृपा करके एक बार पंच पांडव को फलाना वन में रहते हैं आप जा करके वहाँ आतिथ्य स्वीकार कीजिए। अच्छा अच्छा ऐसे ही होगा, ठीक 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 ठीक, साधु है उनका क्या है, वो जानते हैं अतिथि के घर क्या है क्या नहीं है, सीताराम बोल करके हाजिर हो जाते हैं, तुम जानो। तो ऐसा ही 10,000 शिष्य लेकर के जंगल में रहते हैं पंच पांडव, वहाँ उनका तो जो भी जंगल के शाक भूस जो भी मिला उसके द्वारा थोड़ा सा जो भी रोसई करके अपना प्रसाद वसाद पा करके बर्तन को उलट के रख दिया। इतना में दुर्वासा ऋषि आए अपने सशिष्य, देख करके तो बहुत चिंतित हो गए, आइए महाराज आइए महाराज आइए आइए, बोलिए क्या सेवा हमारे लायक की सेवा बताइए। बोलते हैं नहीं अब हम आए हैं यहीं पर आज प्रसाद पाएंगे, ऐसी इच्छा लेकर के आए हैं। अच्छा महाराज बहुत सुंदर बहुत सुंदर, अच्छा ठीक है आप व्यवस्था कीजिए, हम जाते हैं जमुना किनारे वहाँ जा करके अपना नियम धन करके आ रहे हैं, आप व्यवस्था कीजिए। साधु है, साधु का क्या है, वो जानते हैं गृहस्थी के घर क्या है क्या नहीं है, इधर तो बहुत चिंतित हो गए हैं पंच पांडव, अब क्या करूं भाई, पानी देने का भी व्यवस्था है नहीं, पानी देने के लिए घड़ा चाहिए पर गिलास चाहिए, कुछ तो चाहिए, कुछ है ही नहीं, हाथ में पानी पीते हैं कोई रकम दिन चर्चा जो है कि जंगल में जैसे रहते हैं उस तरह से वहाँ कोई सब सुविधा थोड़ी है, अब इतने 10,000 शिष्य लिखाए हैं उनको खाने के लिए क्या व्यवस्था होगी। आप देखते हैं तो अवश्य श्राप दे करके समाप्त कर देंगे हम लोगों को। भीम चिंतित हो गए, माथे में हाथ धर करके बैठे हैं, अर्जुन माथे में हाथ धर करके बैठे हैं, युधिष्ठिर महाराज चिंतित हो गए हैं, सब शोक के साया आकर के घेर लिया, एकदम शोक संतप्त होकर के सब बैठ गए हैं, क्या करें क्या करें, भगवान चुपचाप, भगवान है नहीं, भगवान मित्र है पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके मित्र है, वो शोक संतप्त होकर के बैठ गए, अब उपाय क्या है, भगवान है नहीं, हम स्मरण नहीं करते थे कि हैं, भगवान का स्मरण नहीं करते पांडव में समय है, भगवान का स्मरण नहीं करते, स्मरण तो करते थे कि भगवान थोड़ी आएंगे अब इस विपत्ति में, अब क्या वो तो अपनी चिंता कर रहे हैं ना। लेकिन अब द्रौपदी देखते हैं तो हमारे सामने गोविंद छोड़ करके और कोई हमारे बसने का हमारे इज्जत रक्षा करने का और कोई उपाय नहीं है, ऐसे ही एक दिन निरुपाय होकर हमने गोविंद को आह्वान किए थे, कुछ दिन आकर के गोविंद ही हमारी इज्जत का रक्षा किया है, आज भी गोविंद ही हमारी इज्जत रक्षा करेंगे, हा कृष्ण हा कृष्ण, बस
द्रौपदी हाथ उठा के एक बार गोविंद कृष्ण बोल करके आह्वान किए, कृष्ण आके हाजिर, आके हाजिर। पंचपांडव बहुत चिंतित हो गए, गोविंद है जी। भारी सभा में उस दिन भी द्रौपदी जब पुकारे तभी गोविंद आए, आज भी जब भी द्रौपदी पुकारे तभी गोविंद आए। अरे आके एकदम नाटक, तो नाटकबाज तो खूब है, कृष्ण तो महानाटकबाज है। भाभी भाभी बड़ा जम के भूख लग गया, कुछ खाने दो, कुछ खाने दो बहुत। अरे तुम ऐसे है ना, तुम बहुत मजा किया हो, हम तो इसीलिए तुमको बुलाए हैं। देखो आप खाने का तो कुछ है नहीं, दर्जा शिष्य लेकर के दुर्भाषा ऋषि आतिथ्य शिकार करने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ तो किंचित मात्र कोई वस्तु पदार्थ है नहीं, कोई वस्तु थाली भी है नहीं जिसमें खाने देंगे, खाने देंगे क्या, फल मूल भी है नहीं, यह तो उपलब्ध नहीं है ना। जंगल में जा करके फल तोड़ के बहुत सारे फल ले आएंगे, ढूंढ ढूंढ के कोई पेड़ से कोई फल ऐसे ऐसे इकट्ठा करके, फिर कभी तो पेट भर के मिलता है तो कभी मिलता नहीं है। जंगल की जीवन है ऐसे है, अब आ गए हैं अब क्या करूं, तुम इज्जत बचाओ। नहीं भाभी बहुत जम के भूख लग गए, ऐसा हम सुनने के लिए तैयार नहीं, पहले तुम हमको खिलाओ। देखो कृष्ण तुम बड़े मजा किया हो, मैंने ऐसे समय तुमने आकर के कहते हो कि हमको खिलाओ। देखो थाली में कुछ रखा हुआ होगा, जरूर कुछ होगा, तो बर्तन तो धो के रखे हैं, उस थाली में एक किनारे में एक कोने में थोड़ा सा साग लगा हुआ था, रहता है ना भूल से कभी कभी मस्ते समय ऐसा भूल भी हो जाता है, हम लोगों से भी हो जाता है, ऐसा किन का साग चिपका हुआ था, तो उसी को लेकर के मुंह में दिया, दे करके पानी, भाभी बस तृप्त हो गया, तृप्त हो गया एकदम, ओम करके ऐसा कर लगाया एक ढेकर में एकदम। उधर तो 10,000 शिष्य लेकर के जमुना किनारे में प्राणायाम कर रहे हैं, सब अपना अपना क्रिया कर्म कर रहे हैं, भाई इतना सबका पेट फूल गया एकदम बिल्कुल। भगवान जहां भगवान तृप्त हो जाते हैं जगत तृप्त हो जाता है। आप भीम को कह रहे हैं, भीम भैया तुम जाओ उनको बुला के लाओ, बोले जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उमा सब तैयार है। भीम के पंचवन हास रहे हैं, बड़े बड़ा मजा किया है भाई, यहाँ कोई तैयार नहीं, हम बोलता है वो कहते हैं कि जाओ बुला के लाओ उनको। देखो कृष्ण तुम एक विपत्ति के समय ऐसे मजाक मत करो, समझ गया। बोले जब कह रहा हूँ तुम ऐसे सुनो तो, तुम मानो तो सही, तुम जाओ ना उनको बुला के लाओ ना, जो करना हमारे प्रति विश्वास नहीं है, अगर विश्वास है तो जो करना है हम करेंगे ना, तुम्हारे इतना चिंता की क्या बात है, तुम जाके बोलो सब गरम गरम तैयार है, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, ठंडा हो रहा है सब, सब गरम गरम तैयार है सब। भीम तो बहुत चिंतित होकर शंकित होकर लज्जित होकर फिर क्या करे, ना भी किया नहीं जाता है। कृष्ण कह रहे हैं भाई जानते हैं तो भगवान, भगवान तो जानते हैं लेकिन उतना दृढ़ विश्वास नहीं था मन में। जैसे कैसे मान लो एक दूध में कभी कूटा गिर जाता है, दूध उफान रहा है ना, कभी कभी ऊपर आ जाता है कूटा, तिनका मान लो दूध में गिर गया, कभी कभी दिखता है लेकिन पकड़ने जाता हाथ में आता नहीं है। ऐसा ही भगवत्ता कभी कभी प्रकाशित तो हो जाता था लेकिन वैसा ही भगवत्ता ज्ञान, उनके तीव्र विशेष ज्ञान था कि ये हमारे मित्र है हमारे सखा है, ऐसे ऐसे बोल। तो फिर भी जब कह रहे हैं चलो भाई, जमुना किनारे उधर इतना पेट फूल गया जो दम लेने का कोई ताकत नहीं। आप दुर्वासा ऋषि सब शिष्यों को कह रहे हैं भाई चलो यहाँ से आस्ते आस्ते निकल चलो। शिष्य लोग कहते हैं प्रभु वहाँ तो सब व्यवस्था करके रखे हैं, नहीं जाने से तो इतना सारी व्यवस्था, बोलता क्या करें आप तो पानी पीने का भी कोई स्थान नहीं, ना जाने क्या हो गया, क्या उद्गार हो गया, आज तो कुछ खाया नहीं, तुम लोग कुछ खाए, बोले नहीं प्रभु हम लोग तो कुछ खाए नहीं, तो ऐसे कैसे हो गया, ये दम लेने का भी कोई अवस्था नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना खाने के बाद मैंने ऐसे अतृप्ति आ जाती है, थोड़ा सा पानी भी कोई वस्तु अमृत भी अच्छा नहीं लगता, ऐसे हो गया। आप भीम को देख करके तो आप दुर्वासा ऋषि का मुंह सूख गया। भीम जाके हाँ महाराज चलिए, वहां सब ठंडा हो रहा है सब गरम गरम सब अभी अभी सब परोस करके सब तैयार करके बैठे हैं, आप लोगों चलिए थोड़ा सा। बोलते हैं भीम कुछ बुरा नहीं मानना, अभी नहीं फिर कभी और फिर कभी एक दिन मौका मिलेगा तो आएंगे, आज बहुत ही तबीयत बहुत खराब है,
आज तो जा नहीं पाएंगे। नहीं महाराज, इतने सब आयोजन किए हैं, सब इतने सारे व्यवस्था हमारे, कितना कितना बढ़िया कचौड़ी पकौड़ी गुलाब जामुन रसगुल्ला सब महाराज, ये सब अपने सब इतनी सारी व्यवस्था वहाँ तैयार है, सब आपके इंतजार में बैठे हैं, बस पत्तल तैयार है, बस जाने बैठने की देर है, आप जाके थोड़ा सा बैठ जाइए, बस तुरंत पारस को जो भी थोड़ा सा लेना है लेकर के फिर चल दी। भाई कुछ मानना नहीं भाई, भाई एकदम दम लेने का कोई ताकत नहीं है, ठीक है सुनो तुम चिंता नहीं करना, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूँ, तुम्हारा जो दुश्मन है ना वो नष्ट हो जाए भाई, छोड़ दो इस बार नहीं, फिर कभी आएंगे, उल्टा एक्शन हो गया। उन लोग भेजे थे जो अभिशाप देकर पांडवों को जो नष्ट हो जा, उनका सत्कार नहीं कर पाएंगे, अरे उल्टा हो गया, मैं आशीर्वाद करता हूँ तुम्हारा दुश्मन जो है सब नष्ट हो जाए भाई, इस बार नहीं फिर कभी आएंगे। अब भीम तो देखते बहुत बढ़िया हो गया, हमारा काम तो बन गया, कृष्ण तो बहुत अच्छा चतुराई किया, न जाने क्या कला दिखाया, तो इस तरह से आए हैं और दुर्वासा ऋषि तो आशीर्वाद दे करके तुम लोग उनका कल्याण हो, तुम लोग उनको राजपाट मिल जाए, तुम लोग उनका दुश्मन सब नष्ट हो जाए, उल्टा उल्टा सब आशीर्वाद करके दुर्वासा ऋषि छाटा जा चाहिए।